क्लासेस स्टार्ट किया हूँ। तो वीवीए माइक्रो पावर प्रोग्रामिंग आज का हमारा टॉपिक है। सबसे पहले जानिए कि वीवीए है क्या, पहले इस चीज को जानिए। बहुत सारे लोगों के बीच में वीवीए से रिलेटेड कुछ कन्फ्यूजन्स है, आज हम इन्हीं कन्फ्यूजन्स के ऊपर आपके साथ डिस्कस करेंगे कि आखिर वीवीए होता क्या है। बेसिकली वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग जो है हमारा वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग एक कोडिंग है, एक लैंग्वेज है जिसके जरिए हम एक्सेल के अंदर में या एमएस ऑफिस के अंदर में कुछ नए टूल्स क्रिएट कर सकते हैं, कुछ नए फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं, किसी प्रोसेस को, किसी रिपोर्ट को हम ऑटोमेट कर सकते हैं। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ये वीवी डॉट नेट या वीवी सिक्स से मिलता जुलता है, बट वीवी नहीं है क्योंकि वीवी के जरिए हम प्रोग्राम बनाते हैं लेकिन इसके जरिए हम एप्लीकेशन के अंदर में कुछ एडिशंस कर रहे हैं। तो कुछ लोग वीवीए से अवेयर है, किसी को आज रिकॉर्डिंग की परमिशन नहीं मिलेगी, आज मैं खुद रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैं रिकॉर्ड करके आप लोगों को भेज दूंगा मेल पे। तो वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग जैसे बताया आपको कि आखिर वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग से मैं करूंगा क्या, ये चीज के जानिए। एक अगर जानिए कि वीवीए एक फैक्ट्री है तो आखिर उसका प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट क्या है। तो वीवीए के जरिए जनरली हम क्या करते हैं, हम बनाते हैं माइक्रोज, हम बनाते हैं फंक्शन और बनाते हैं यूजर फॉर्म। अब ये क्या होता है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा थ्योरिकल डिस्कशन कर लेते हैं कि आखिर होता क्या है। तो अगर हम बात करें माइक्रोज की, तो माइक्रोज एक कह सकते हैं कि एक ऑटो पायलट क्रिएट करने का ऑप्शन है, मतलब कि एक जो काम आप बार बार कर रहे हैं ऐसे काम को करने के लिए एक ऑटो पायलट जनरेट करता है एक तरह से, समझ लीजिए। जैसे एग्जांपल, तो एक छोटा सा एग्जांपल हम आपको यहाँ पे दे रहे हैं कि छोटा सा एग्जांपल क्या है। एक छोटा सा डेटा मैं यहां बनाता हूं, एग्जाम्पल है बना रैम बिटवीन का फॉर्मूला मैं रैंडम डेटा के लिए लगाता हूं। और मान लीजिए इस तरह से मेरे पास कई सारे शीट्स में डेटा है, मैं 5-7 सीट कर लेता हूं। पांच सात सीट में मुझे मेरे पास डेटा है और मैं पेस्ट स्पेशल और यहीं पे मैं पेस्ट एज ए वैल्यू करता हूं ताकि सारे शीट का डेटा कॉपी पेस्ट होकर वैल्यू में हो जाए। अब मुझे इन सारों शीट का जो डेटा है, इस डेटा को रखना है मुझे एक डेटा के अंदर। मान लीजिए मुझे एक कॉपी पेस्ट करना है, एक के नीचे कॉपी पेस्ट करना है, तो कैसे करें। रंजन दास जी प्लीज आप डबल क्लिक कर दीजिए, बड़ा स्क्रीन हो जाएगा। तो मुझे एक के नीचे कॉपी पेस्ट करना है, एक काम मेरे लिए डेली बेसिस पे है, लार्ज स्केल पे है। मैं इसके लिए कोई ट्रिगर, कोई ऑटो पायलट क्रिएट करना चाहता हूं क्योंकि मैं मैनुअली करता हूं तो मेरा काफी टाइम कंज्यूम होता है और मैं इस चीज को मैनुअली नहीं करना चाहता हूं क्योंकि ये दिन में 4 बार 5 बार या महीने में 10 बार होता है और काफी टाइम लगता है क्योंकि अभी तो हमारी 6 है, हो सकता है 600 फाइल हो, 600 शीट्स हो, तो कैसे करें। बस एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं कि माइक्रोज का इस्तेमाल कहां करते हैं। तो हम विजुअल बेसिक पे जाएंगे, एक नया मॉड्यूल को इंसर्ट करेंगे और यहां भी एक प्रोग्राम लिखेंगे, छोटा सा 5-7 लाइनों का प्रोग्राम लिखेंगे। प्रोग्राम क्या है ये हम आगे क्लासेस में आपको समझाएंगे, फिलहाल देखिए कि आखिर इसका यूज क्या है। तो सीधे हम लिखते हैं फोर आई इक्वल टू चले 1-2 शीट्स डॉट काउंट और फिर यहां पे नेक्स्ट आई और फिर हम जाएंगे शीट 1 डॉट रेंज
A1 dot current region dot copy. Seats data dot select range ये 65,000 dot m xless up dot offset 1,0 dot paste special active sale dot entire row dot new. बस एक कोड हमारा हो गया, इस वन को हटा के इसके जगह पे हम आई दे देते हैं ताकि हर सीट इसी तरह से जाए। और उससे पहले मैं यहाँ पे सीट आई डॉट सेलेक्ट, इसके बाद ये सीट आई करने की जरूरत नहीं है। हाँ दो सर, 5 मिनट खत्म हो जाएगी सर, पीछे कुछ सामान अनलोड हो रहा है सर, 5 मिनट सही हो जाएगा सर। तो यहाँ पे हमने बेसिकली अभी मैं होम टाउन में हूँ ना सर, वो लॉकडाउन में जगह फंस गया हूँ ऑफिस में नहीं हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हमने छोटा सा चाइल्ड में कोड किया, अभी कोड हमारा हजारों सीट को विथ इन सेकेंड में कुलेट कर देगा। ये थोड़ा सा एरर हो गया, सीट होना चाहिए था, सीट हो गया। तो विथ इन सेकेंड में देखिए सारे डेटा को कॉपी पेस्ट एक के नीचे कर दिया एवरी डेटा को। तो माइक्रो का इस्तेमाल हम इसी चीज के लिए करते हैं कि हमारे पास अगर कोई बड़ी से बड़ी डेटा है, बड़ा से बड़ा प्रोसेस है, उस बड़े से बड़े प्रोसेस को हम विद इन सेकेंड में कर सके। लेकिन ध्यान रखिएगा ये चीज उसी चीजों के ऊपर अप्लीकेबल होता है जो रिपीटेड है या लेंदी है। अब मान लीजिए किसी काम को पांच सीटों को, मान लीजिए पांच सीट को, कौन कॉल करता है हमको समझ में नहीं आ रहा है, सॉरी सर थोड़ा सा नेटवर्क डाउन हो गया था, कोई कॉल कर दिया था, मोबाइल से कनेक्टेड हूँ ना सर, किसी ने कॉल कर दिया था मुझे। ओके तो जैसे कि मैंने अभी आपके सामने में दिखाया कि ये हमारा जो सीट है, सीट आप देख पा रहे हैं, आपने देखा कि एक बार मैं दोबारा और रन करके दिखाता हूँ कि हम जस्ट अपने माइक्रो को यहाँ से रन कर रहे हैं। रन करते ही आप देख रहे हैं कि विथ इन सेकेंड में मेरा पूरा का पूरा डेटा एक के नीचे कॉपी पेस्ट हो जा रहा है। तो इसी तरह के प्रोसेस के लिए, इसी तरह के काम के लिए हम यूज करते हैं VBA माइक्रो प्रोग्रामिंग, ठीक है सर। तो ये जो चीजें होती है ये आप अपने ऑफिशियल लाइफ में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे ये चीज, ये जो चीजें हैं उन चीजों पे ही अप्लाई होती है जिसका यूज हमारा डेली बेसिस पे होता है, रिपीटेड होता है। ये चीजें उन चीजों पे एप्लीकेबल नहीं होता है जो कि मान लीजिए कि आपको एक दिन के लिए आया है, अब दो तीन मैंने एक दिन के लिए आया है, उसको आप मैनुअल भी एक आध घंटा में कर सकते थे, उसके लिए प्रोग्रामिंग करना सही बात नहीं है। ओके सर, तो इसलिए हमेशा इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं।
तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और चीजों के ऊपर। अब हमने बात तो कर ली इसके ऊपर, मैक्रोज की बात कर ली कि मैक्रोज क्यों बनाते हैं। अब अगला बात आती है फंक्शन। फंक्शन क्या है? तो फंक्शन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं कि एक अपने हिसाब से कोई कस्टम फॉर्मूला क्रिएट करने के लिए। जी हाँ, कस्टम फॉर्मूला क्या होता है कि कभी कभी हमें हमारे जो फॉर्मूले होते हैं वो हमारे वर्क के अकॉर्डिंग नहीं होते हैं, काफ़ी ज़्यादा लेंदी प्रोसेस फॉलो करते हैं, या फिर जो हम काम कर चाहते हैं वो नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ना वी लुकअप, वी लुकअप लगाते हैं तो अगर रिपीटेड वैल्यू है तो आपको एक ही वैल्यू दिखाता है, बाकी वैल्यू नहीं दिखाता है, तो इस केस में क्या करेंगे? तो ऐसे केसेस के लिए आप वी फंक्शन की मदद से आप अपने हिसाब से अपने फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं, या फिर किसी फॉर्मूला को लेके उसको कस्टमाइज करके एक नया फॉर्मूला बना सकते हैं जो कि आपकी रिजल्ट आपके रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता हो। और यही नहीं, हम वीवीए प्रोग्रामिंग में भी इसका यूज करते हैं, ये माइक्रोज में भी इसका यूज करते हैं। माइक्रोज में क्यों यूज करते हैं? क्योंकि मान लीजिए कि एक ही काम को, एक ही कोड को आपको 10 जगह पे लिखना है, एक कैलकुलेशन है जिसको 10 जगहों पे कैलकुलेट करना है, तो उस केसेस में क्या होता है, उस केसेस में हम एक बार उसको फंक्शन क्रिएट कर देते हैं और 10 जगहों पे उसे कॉल कर लेते हैं, 10 जगहों पे कोड लिखने की या कॉपी पेस्ट करने की हमें जरूरत नहीं पड़ती है। ये वीवीए प्रोग्रामिंग का माइक्रोज का यूज है। अब बात करते हैं यूजर फॉर्म का। यूजर फॉर्म का यूज हम लोग करते हैं इंटरफेस के लिए। जैसे मान लीजिए आप पिवट ही अप्लाई करते हो तो पिवट डायरेक्ट अप्लाई नहीं होता, एक पॉपअप देता है। पॉपअप क्यों देता है कि पिवट में कई सारे इनपुट्स हैं, कई सारे कंडीशंस हैं, आप किस कंडीशंस पे पिवट को लगाना चाहते हैं तो उसकी कंडीशंस आप यहां पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अब इसमें क्या है कि ये क्या सामने आपके साथ जो पॉपअप दिया था यहाँ पे आप टेबल रेंज या चीजें सेलेक्ट कर लेते हैं, तो इससे बेनिफिट क्या होता है कि आपका पिवट ओके करते ही पिवट के सारे इनपुट्स को देखते हुए पिवट लगा देता है। इमेजिन कीजिए कि अगर ऐसा ना होता, तो हमें कई सारे एंगल से पिवट लगाने होते। तो इसलिए इस तरह के जो पॉपअप है, इस तरह के पॉपअप को क्रिएट करने के लिए हम यूज करते हैं यूजर फॉर्म को। तो वीवीए का बेसिकली तीन पार्ट है, मैक्रोज, फंक्शंस, यूजर फॉर्म। अब चलिए इस चीज को जानते हैं कि आखिर वीवीए का इस्तेमाल कब और कहां करेंगे। देखिए, वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग अगर मैं इमेजिन करूं तो आपके 15 या 20% ही यूज होने वाली ऑप्शंस हैं। क्यों? क्योंकि जैसे बताया मैंने कि इसका यूज रिपीटेशंस के लिए होता है, मतलब कि रिपीटेड जॉब के लिए होता है, ऐसा काम जो बार बार हो। तो आपके ऑफिस में आप डेली पे बनाने वाली रिपोर्ट्स आपके पास 5 या 10 या 15 हो सकती है। आई थिंक 15 किसी के पास नहीं होगा, 10 के अंदर ही निपट जाता है। तो आप जो वीवीए प्रोग्रामिंग का यूज करोगे उन 10 माइक्रो पे करोगे, महीना, 1.5 महीना, 2 महीने में उन 10 फाइलों को आप ऑटोमेट कर दोगे, तो फिर आपके पास वीवीए का यूज तो बचेगा नहीं। आप वीवीए का यूज इस पे थोड़े करेंगे कि हाँ एक छोटा सा फाइल आया जिसकी समरी आपको क्रिएट करनी है, अब समरी पे आप वीवीए प्रोग्रामिंग इस्तेमाल कर ले, क्योंकि ऐसा आप करते हैं तो जितना देर में आप मैनुअली समरी निकालेंगे उससे बहुत ज्यादा टाइम आपका वीवीए कोड में लगेगा। तो ये चीज है कि आप जो है उसका यूज करते हैं रिपीटेड जॉब पे या लेंदी जॉब पे। तो रिपीटेड जॉब का एग्जाम्पल तो मैंने दे दिया, अभी मैं फाइल को ऑटोमेट किया। अब बात करते हैं लेंदी जॉब का एग्जाम्पल क्या होगा, मतलब लेंदी जॉब क्या होता है। जैसे कि कोई ऐसा काम जो आया तो एक ही बार है लेकिन आपका काफी टाइम लेने वाला है। जैसे कि एक सिंपल सा एग्जाम्पल हम यहाँ पे आपको दिखाने जा रहे हैं। हम इंटरनेट से कुछ डेटा कॉपी करते हैं, इसी को मान लीजिए इसी में से कॉपी करते हैं। क्या हो गया?
जैसे इसी लाइट इसी लिस्ट है, मैं इसी लिस्ट को कॉपी करता हूँ, एक सेकंड दीजिएगा, एक सेकंड से। मैंने इसको कॉपी किया और एक्सेल पे आता हूँ। अभी देखिए ये वेबसाइट का लिस्ट हमने मंगाया है, मान लीजिए कि ये वेबसाइट का लिंक लाखों में होगा आपका, या 10,000 या 20,000 ही मान लीजिए। तो अब इस वेबसाइट के लिस्ट में मुझे इसकी URL चाहिए, क्योंकि तो इसके अंदर जो ये वेबसाइट का नेम दिया हुआ है वो इनकम्प्लीट है। जैसे कि मैं अगर इसकी ये करता हूँ, इस पर रैप टेक्स्ट को रिमूव करता हूँ यहाँ से, तो आप देखेंगे कि इसमें आपका इंडिया लिस्ट क्या है, .com.co.in या lokanto.com.in क्या है, इसके कंप्लीट आया तो है नहीं। लेकिन इसके ऊपर जो हाइपर लिंक लगा हुआ है, इसके अंदर एक कंप्लीट URL दिया हुआ है। तो मुझे क्या करना है कि मुझे इस पर राइट क्लिक करना है, एडिट हाइपर लिंक पर जाना है और इसकी हाइपर लिंक को कॉपी करना है और इसके आगे पेस्ट करना है। अब इसी काम को मुझे दोहराते रहना है। अब यहां पे एक चीज डाल लीजिए कि अगर मैं इसी काम को बार बार करूंगा तो मैन्युअली मुझे करने में एक दिन में मैं बहुत कोशिश करूंगा तो 1,000 या 1,500 को कॉपी कर पाऊंगा पूरे दिन भर में, तो कई दिन लगने वाले हैं इसमें। तो ये काम आया तो एक ही बार है बट लेंदी है, इसका यूज हमें करना है कि ये ऐसा कुछ हो कि विद इन सेकेंड में हो जाए। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि बस एक छोटा सा फंक्शंस क्रिएट कर देता है, हालांकि इसके लिए मैं फॉर्मूला भी क्रिएट कर सकता हूं बट हल्का सा फंक्शंस क्रिएट कर रहा हूं। एक मिनट, कौन सा फाइल है, बुक 3। फंक्शन क्रिएट करते समय देखना चाहिए कि आपका बुक 3 में ही कर रहे हो ना, कहीं और तो नहीं कर रहे हो, क्योंकि फंक्शन कॉल होने में दिक्कत होता है। तो फंक्शन URL इन एजरी, इन डॉट हाइपर लिंक डॉट एड्रेस इन डॉट एड्रेस, बस सिंपल सा एक लाइन में कोड करना है। ये माफ कीजिए, छोटा सा गलती मैं हमेशा करता हूँ, यहाँ पे 1 होता है 0 नहीं। ठीक है सर, देखा कि विद इन सेकेंड में आपने देखा यहां पे कि हमारा काम कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इसी चीज का यूज हम करते हैं VBA माइक्रो प्रोग्रामिंग में, और इस VBA माइक्रो प्रोग्रामिंग का यूज हम करते हैं ताकि हमारा काम विद इन सेकेंड में हो जाए जो रिपीटेड है। तो हम दो चीजों पे काम करते हैं VBA का यूज करते हैं, पहला जो काम लेंदी है या रिपीटेड है। तो एक सबसे प्रॉब्लम वाली चीज होती है कि कोई प्रॉब्लम हमारे पास आती है तो हमें अनुमान लगाने हमें दिक्कत होती है कि इस काम को हम एक्सेल के जरिए करें या VBA के जरिए। तो एक तरीका यहां है कि आप VBA के जरिए कर सकते हैं, और दूसरा तरीका होता है एक्सेल के जरिए। तो आप उसकी यूजेस के ऊपर डिपेंड कर सकते हैं, जैसे कि अगर ऐसा कोई फाइल है जिसके ऊपर जिसको फाइल को हमें कई सारे जगहों पे शेयर करना होता है पब्लिकली, मान लो फाइल को 10, 20, 50 जगह पे हमें शेयर करना है,
ऐसे फाइल के ऊपर हम वीवीए कोड नहीं लगाते, क्यों? क्योंकि हमारा एक्सेल के अंदर में बाय डिफॉल्ट हमारा वीवीए प्रोग्रामिंग डिसेबल विथ नोटिफिकेशन होता है। मतलब कि मैंने किसी को फाइल भेजा, अगर उसके सिस्टम में वीवीए माइक्रो अनेबल नहीं है, जैसे वो फाइल को खोलेगा, खोलते ही उसको पॉपअप दिखाएगा माइक्रो सिक्योरिटी अनेबल करने का। अब जो लोग वीवीए से फैमिलियर है, इसको समझते हैं, वो तो अनेबल कर लेंगे, वो जान जाएगी कि हाँ इस फाइल के अंदर में वीवीए प्रोग्रामिंग लगा हुआ है, अनेबल कर लो तो परफॉर्म करेगा। और जो वीवीए से फैमिलियर नहीं है वो आपको रिवर्ट बैक करेगा कि फाइल हैज अ एरर, जब फाइल को ओपन करते हैं मुझे इस तरह का अलर्ट दिखता है। फिर आपको उनको समझाना पड़ेगा प्लीज अनेबल कीजिए मैक्रो। तो मेरी सलाह है कि ऐसे फाइल जो कि पब्लिकली शेयर हो रही है उस पर माइक्रो यूज करने से बचे, अवॉइड करें। अगर बेहद जरूरी हो कि नहीं माइक्रो यूज करना ही पड़ेगा तो उस केस में आप इस्तेमाल कीजिए, वरना मत कीजिए, इसका ध्यान रखिएगा। तो उसके बाद इसका यूज हम लोग करते हैं, इस चीज को समझते हैं फिर यूज करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग के करने से पहले प्रिपरेशन की, तो सबसे पहले आपका फाइल जो है ये होना चाहिए, माइक्रो अनेबल वर्कबुक में सेव होना चाहिए। हाँ पूछिए पापा। पापा दोबारा बोलेंगे सर, क्या बोल रहे हैं आप? हाँ जरूर, क्यों नहीं। ये हाँ सर दिख ले, हेलो हेलो आगे बने सर। चलिए आगे बढ़ते हैं इस पे। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, अगला जो टॉपिक हमारा आता है कि वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग यूज करने से पहले आखिर क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो इसकी प्रिपरेशन की हम बात करें, सबसे पहले अगर आप वीवीए सीखना चाहते हैं तो एक चीज ध्यान रखिएगा, आपके पास प्रैक्टिस के लिए घंटे दो घंटे का टाइम होना चाहिए। अगर आपके पास प्रैक्टिस के लिए घंटे दो घंटे का टाइम नहीं है तो वीवीए प्रोग्रामिंग सीखना आपके लिए व्यर्थ है, क्योंकि वीवीए जस्ट लाइक ए मैथमेटिक्स, और जानते ही हैं मैथमेटिक्स बगैर प्रैक्टिस का यूज होता नहीं है, तो प्रैक्टिस इसके लिए काफी जरूरत चीज है। उसके बाद हम बात करते हैं कि फाइलों के साथ क्या होना चाहिए। सबसे पहले आप वीवीए कोड यूज करने से पहले आप फाइल को सेव करें माइक्रो अनेबल वर्कबुक में। मेरे पास काफी कॉल्स आते हैं कि सर मैंने माइक्रो बनाया, मेरा फाइल ओपन नहीं हो रहा है, उसमें माइक्रो कोड ही नहीं मिल रहा है। ऐसा इसलिए कि अगर आपने माइक्रो वाली फाइल को सेव कर दिया वर्कबुक में, कि ये जो होता है माइक्रो डिसेबल वर्कबुक होता है, जी हाँ ये होता है माइक्रो तो कभी भी इस फाइल कोड को इस वर्कबुक पे मत सेव करना, हमेशा कोडिंग वाली फाइल को सेव करेंगे माइक्रो अनेबल वर्कबुक। लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटी है कि जल्दीबाजी में सेव करते समय आपसे भूल हो जाए और आप गलती से वर्कबुक में सेव कर दें। ऐसा कई बार मेरे साथ भी हुआ है कि हम दो घंटे तीन घंटे बैठ के एक प्रोग्राम को सॉल्व किए और गलती से सेव हो गई एक्सेल वर्कबुक में और सारी प्रोग्राम हमारी डिलीट हो गई, फिर से कोड करना पड़ा।
तो इसके इससे बचने के लिए आप क्या करें, फाइल के ऑप्शन में जाएं, और फाइल के ऑप्शन में हमारे पास यहाँ पे सेव है, और इसमें यहाँ आप डिफॉल्ट सेव लुक जो टाइप है एक्सेल माइक्रो अनेबल वर्कबुक सेलेक्ट कर ले, एक्सेल माइक्रो अनेबल वर्कबुक सेलेक्ट कर ले। तो आपको गलती से सेव करने को डिफॉल्ट आपका वही रहेगा, जैसे कि मेरा है डिफॉल्ट वही रहता है, माइक्रो अनेबल वर्कबुक डिफॉल्ट यही रहता है। ओके, हम इस पे आगे बात करते हैं। ओके सर, एक रिक्वेस्ट है, अभी 2 मिनट में मीटिंग एंड हो जाएगी, तो उसी प्रोसेस से जैसे आपने ज्वाइन किया था दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा। 2 मिनट में, 2 मिनट में मीटिंग एंड हो जाएगी सर। वो 45 मिनट में सेट होता है मेरा जूम, 45 मिनट बाद ऑटोमेटिक जो है वो लॉग आउट हो जाता है। मैंने सबको बता दिया है, जैसे लॉग आउट हो जाए दोबारा से ज्वाइन कर लीजिएगा उसी प्रोसेस से, उसी आईडी से। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि और क्या प्रिपरेशन करनी होगी। डेवलपर टैब आपको होना चाहिए, अगर डेवलपर टैब नहीं है तो आप एक्सेल ऑप्शन में जाएं और यहाँ कस्टमाइज रिवन में डेवलपर टैब यहाँ डाल दें। जी हाँ, डेवलपर टैब, इसका ध्यान रखेंगे आप। उसके बाद आप माइक्रो सिक्योरिटी को अनेबल कर ले। जी हाँ, माइक्रो सिक्योरिटी को यहाँ से अनेबल कर ले, जो कि जिसके जिक्र मैंने आपको किया है। तो माइक्रो सिक्योरिटी अनेबल करने से पहले साथ एक बात बता दूँ आपको कि माइक्रोसॉफ्ट इसको डिसेबल क्यों रखता है। रीजन यह है कि माइक्रो के रूप में कई सारे वायरस आने के चांसेस हैं, तो अगर आप इसको अनेबल रखते हैं तो बाहर से आने वाले किसी फाइल पे अननोन वर्जन की फाइल को ओपन करने से पहले इस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि कहीं वायरस तो आपके सिस्टम में नहीं डाउनलोड हो गया है। ओके चलिए, ये हो गई हमारी माइक्रो सिक्योरिटी अनेबल करने के बाद। तो माइक्रो से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं आपके पास, इसकी थ्योरिकल पार्ट से रिलेटेड, तो आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए नहीं है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ बोलिए। सर अगर वायरस सिस्टम में आया है तो वायरस अपना काम करेगा ना, अब कोरोना वायरस तो नहीं है कि 7 दिन बाद पता चलेगा।